गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आई एम योर क्लास टीचर फ्रॉम सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल। तो आई होप आप लोग को मज़ा आ रही होगी हम लोग की क्लासेस में। ठीक है, आज हम लोग अपना हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। आप सब लोग अपने अपने हिंदी की क्लास यू के जी की बुक ओपन कर लीजिए, स्वर गुनगुन। ठीक है, सब लोग ओपन कर लिया सबने, एक पेंसिल अपने साथ ले लीजिए, इरेजर ले लीजिए। तो पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, वर्णमाला पढ़ा था, वर्णमाला में स्वर व्यंजन पढ़ा था, दो अक्षरों वाले शब्द पढ़े थे और तीन अक्षरों वाले शब्द पढ़े थे ना, ये आप लोग को होमवर्क में मिला था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चार अक्षरों वाले शब्द। ठीक है, चलिए पढ़ने से पहले क्या बताया था, यहाँ पे क्लास वर्क मेंशन करेंगे, यहाँ पे क्लास नेम UKG, यहाँ पे स्कूल नेम और यहाँ पे डेट। ठीक है, उसके बाद हम लोग रीड करना स्टार्ट करेंगे। चार अक्षरों वाले शब्द, ठीक है, चार अक्षरों वाले शब्द वो होते हैं जो चार अक्षर से मिलके बने हो। ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ाया था, तीन अक्षरों वाले शब्द, जैसे मटर, ये तीन अक्षर से मिलके बने थे, बट ये चार अक्षरों से मिलके बने हैं। ठीक है, इसको रीड करिए, श प्लस र प्लस ब प्लस त, शरबत। ये क्या है, चार अक्षर से मिलके बना है ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, चार अक्षरों वाले शब्द। इधर रीड करते हैं, ब प्लस र प्लस त प्लस न, बर्तन, ये भी चार अक्षरों वाले शब्द है। अब अ प्लस च प्लस क प्लस न, अचकन। ठीक है, ये सब क्या है, चार अक्षरों वाले शब्द हैं। चलिए पढ़कर समझिए, अब आप लोग भी मेरे साथ रीड करेंगे। ठीक है, चलिए, अदरक, अचकन, दमकल, पनघट, झटपट, हरकत, शलजम, पतझड़, करवट, सरपट, कटहल, कसरत, मखमल, उपवन, टमटम, अजगर। ये क्या थे, चार अक्षरों वाले शब्द थे। ठीक है, अब यहाँ पे रीडिंग करिए आप लोग मेरे साथ, गणपत, उपवन, चल, उपवन चल कर कसरत कर, दशरथ अजगर मत पकड़, बर्तन पनघट पर रख, नटवर झटपट टमटम पर चढ़, टमटम पर चढ़ कर शहर चल, गटगट कर शरबत चख, दलदल पर कसरत मत कर, गणपत अचकन पहन कर दफ्तर चल, मतलब समझ झगड़ मत। ठीक है, ये क्या थे, सब चार अक्षरों वाले शब्द थे। पर इसमें देखिए, इसमें दो अक्षरों वाले शब्द भी हैं और तीन अक्षरों वाले शब्द भी हैं। ठीक है, इसमें दो, देखिए, चल चल दो अक्षरों वाले हो गए, पकड़ पकड़ हो गए तीन अक्षरों वाले, बर्तन बर्तन हो गए चार अक्षरों वाले शब्द। ठीक है, तो इसे आप लोग आज जितना मैंने पढ़ा है इसे आप लोग फिर से रीड करेंगे अपने आप, और जो इधर देखिए एक एक लाइन लिखी है ना, 4-4 words लिखे हैं, इसे आप लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट करेंगे, अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे एक एक वर्ड को। ठीक है, उसके बाद आप लोग मुझे होमवर्क इवनिंग तक सेंड करेंगे। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, ये आप लोग को जो आज पढ़ाया है इसे अच्छे से आप लोग आज रीड करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।